नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज गंगापुर सिटी की ओर से मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों की खोज के लिए हर वर्ष दो एग्जामों का आयोजन करवाती है। इस वर्ष भी कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज की ओर से दो एग्जामों का आयोजन करवाना था, जिसमें एक एग्जाम का आयोजन अप्रैल माह में हो चुका है और जो बच्चे उसमें हमने सेलेक्ट किए थे वो आज कोचिंग का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। दूसरी एग्जाम अभी 9 अक्टूबर को आयोजित होगी, जिसके फॉर्म अभी चालू हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और जिन विद्यार्थियों ने अभी अप्लाई करना बाकी है, वो कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज की जो कोचिंग संस्थान है वहाँ के ऑफिस में आके अपना फॉर्म लेके और उसे हाथों हाथ जमा करा दें और इस एग्ज़ाम का पूरा पूरा फायदा उठाएं। फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरनी है, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, दो फोटो और फोटो और सिग्नेचर करके उसको जमा करा देना है। उसके बाद में आपको तुरंत ही परमिशन लेटर दे दिया जाएगा। 9 अक्टूबर को, यानी ये जो एग्ज़ाम है CTSE कॉस्मोस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, इसमें गंगापुर सिटी या आसपास के जितने भी गांव हैं या जिले हैं उनके बच्चों के लिए एग्ज़ाम का आयोजन करवाया जा रहा है। तो वहाँ जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी एक खोज परीक्षा है, वो अपना टैलेंट या हुनर इस एग्ज़ाम में दिखा सकते हैं और कॉस्मोस की ओर से इसमें एक मेधावी जो विद्यार्थी हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, तीन स्थान प्राप्त करेंगे, उनको जब तक उनकी जॉब नहीं लगेगी तब तक उनको फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। चौथे और पांचवें स्थान पर आने वाले को स्कॉलरशिप में, यानी जो फीस है उसमें 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा और 6 से 10वें तक जो भी स्थान प्राप्त करेगा उसे 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा फीस में। तो अब देर किस बात की, आपको आना है, फॉर्म भरना है और एग्जाम में सम्मिलित होके अपना हुनर दिखा देना है। अगर आपने वास्तव में आप में टैलेंट है, आपके पास में, जैसे कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी की गरीबी हालत है या कोई अपने कोचिंग करने में असमर्थ है, उस बच्चे को बहुत अच्छा सुनहरा मौका है और ये गंगापुर सिटी में कॉस्मोस कंपटीशन की ओर से बहुत अच्छी पहल है, एक शिक्षा में एक अच्छा नवाचार है, जिससे विद्यार्थी को कम से कम पढ़ने का और एक अच्छी कोचिंग संस्थान में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मैं और मेरी कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज की ओर से सारे जो टीचर्स हैं और जो डायरेक्टर साहब हैं मनीष मंगल जी और मैनेजमेंट की तरफ से स्वागत है, आप आएं और इस एग्ज़ाम में शामिल हों। और मैं ये कहता हूँ कि जो पेपर का जो स्तर होगा वो बहुत ही सरल होगा, जिसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को आपको पेपर देने के बाद में एहसास होगा कि यार वास्तव में पेपर बहुत अच्छा था। लेवल एकदम निम्न होगा जिसमें आप अपना हुनर दिखा सकते हैं। दो पारियों में एग्जाम होगी। फर्स्ट पारी का जो पेपर है वो केंद्र लेवल का है, जैसे केंद्र की एग्जाम है, SSC है, बैंक है, रेलवे है, आदि एग्जामों के लिए वो एग्जाम होगा। उसके बाद में जो राजस्थान, दूसरी जो पारी में पेपर होगा वो राजस्थान की भर्तियों के लेवल का होगा। राजस्थान पुलिस है, SI है, पटवारी है, LDC है, ग्राम सेवक है, महिला पर्यवेक्षक है, आदि एग्जामों के लिए वो पेपर होगा। तो 9 अक्टूबर को जो पहली पारी का पेपर होगा केंद्र वाली का, वो होगा सुबह 9 बजे से। दूसरी पारी का जो पेपर होगा वो होगा आपके 11 बजे से, और दोनों का ही पेपर 9 तारीख को है, एक का 9 बजे से है और एक का 11 बजे से है। तो आपको इसमें शामिल होना है और आप अगर इस जानकारी से पहली बार सुन पा रहे हैं तो आप फॉर्म भरने से वंचित रह गए, या आप दूर से बिलोंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप मैसेज कर दें, हम आपको फॉर्म सेंड करेंगे, आप उसको भर के हमारे पास भेज दें, आपके पास परमिशन लेटर मिल जाएगा। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आपको मैसेज करना है और अधिक जानकारी के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। तो नंबर है 9461271
8522। एक बार दोबारा से लिख लें आप 9461278522। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों आपको जैसा पता होगा कि अभी दशहरे की छुट्टी है 2 दिन की, उसके बाद में दीपावली की छुट्टी आने वाली है। तो हम सोच रहे हैं कि दीपावली से पहले 1 या 2 बैच बनाएं, या फिर दीपावली के जस्ट बाद में कॉस्मोस की ओर से कम 4-5 नए बैच बनाए जाएंगे। जैसे आरएस फ्री का एक फाउंडेशन, आरएस फ्री के लिए बैच बनाया जाएगा, राजस्थान जीके का फाउंडेशन बैच बनाया जाएगा, सीटी का एक बैच बनाया जाएगा, एसएससी का भी एक बैच बनाया जाएगा, उसके बाद में आपके एसआई का, राजस्थान पुलिस में एसआई के लिए भी एक बैच बनाया जाएगा, और जीडी का बैच भी बनाया जाएगा। तो इन जो बैचेज शुरू होंगे उनमें आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, उसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा उसे फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। और जो बच्चे 5 से लेकर 10वें तक स्थान है, जिनको 50% डिस्काउंट मिलेगा और 25% डिस्काउंट मिलेगा, उन्हें इन बैचों में लागू होगा। आप अपना जो यहाँ से जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद में आप यहाँ पे अपना नाम पता बताएं, उसके बाद में आपको डिस्काउंट, जिसको 50% है उसको 50%, जिसको 25% है उसको 25% डिस्काउंट दिया जाएगा, और जो फ्री है उनको जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक उनको फ्री करवाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों तक सूचना पहुंच गई होगी, और जिन विद्यार्थियों तक सूचना नहीं पहुंची है तो वो इस मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया उस पर एक बार संपर्क कर लें, और आसपास में है तो अधिक जानकारी के लिए ऑफिस में आके मिल लें। हमारी ऑफिस हमेशा विद्यार्थियों के हित में हमेशा खुली रहती है। गंगापुर सिटी में शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई अच्छी पहल करता है तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं मनीष मंगल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं सर का बड़ा फैन हूँ इस वजह से कि सर हर समय एक बात कहते हैं, मुझे कमाना नहीं है, मुझे केवल और केवल विद्यार्थियों के ऊपर ये जो कमाया है उसको गंवाना है, यानी लगाना है इनके लिए। मैं अधिक सिलेक्शन दूंगा तो बच्चे मुझे दुआ देंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो मैं इस उनके जो ये कोटेशन, ये लाइन है, ये जब बोलते हैं तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित होता हूँ। उनका बोलने का तरीका, उनका जो क्लास लेने का तरीका है, वो छुट्टी नहीं करते हैं और अच्छी अच्छी पहल करते हैं। कोचिंग अगर गंगापुर में पहल करने वालों में अगर नाम लिया जाए तो वो अच्छी अच्छी पहल करते हैं, और उनकी सबसे बड़ी जो सफलता का जो राज है वो यही है। कभी भी किसी से द्वेष भावना नहीं रखते, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से सभी के सामने रखते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, और सभी से पूछते हैं, सभी स्टाफ वर्ग से बात करते हैं, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे आपके उनकी एक मीटिंग बुलाते हैं, उसके बाद में सारा फैसला लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप एक बार कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज का जो टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है उसको दें, और अपनी जो काबिलियत है या अपनी जो प्रतिभा है उसको एक निखारने का या दिखाने का, और जो हुनर है आपका दिखाने का, उसे एक बहुत अच्छा मौका है। जिन भी भाइयों को ये पता है कि कॉस्मोस की ओर से ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उन भाइयों का कर्तव्य है कि वो एक दूसरे विद्यार्थी को बताएं और वो इस एग्ज़ाम में उनको शामिल करवाएं, क्या पता किसी भाई का भला हो जाए। कॉस्मोस कंपटीशन की ओर से हर वर्ष कोई ना कोई एग्ज़ाम में 8-10 बच्चे हर बार कोई ना कोई टेस्ट पास करते रहते हैं। तो हमारी बढ़ाई हम नहीं करते, स्वयं नहीं करते, ये स्टूडेंट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्शन देते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे जो बैच बनते हैं उनमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सीईटी का बैच बनाया उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी, हमने सीईटी का सिलेबस नहीं आया, उससे पहले हमने सीईटी के बैच में 9 सब्जेक्ट पढ़ाने का वादा किया था, एक लो हटा दिया गया इसलिए 8 सब्जेक्ट है। हमने जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस डला है, और जो विद्यार्थी है उनकी नियमित क्लासें होती हैं, महीने में 3 बार टेस्ट लिया जाता है, बच्चों से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए
बहुत अच्छी पहल है और बहुत ही सीधा पेपर आएगा, और आपको जो एग्जाम फॉर्म भरा है उसमें जो सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, और पेपर का स्तर है वो बिल्कुल ही निम्न होगा। तो आप एक बार मौका दें और आप इस एग्जाम को, मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड दसवें तक स्थान तक प्राप्त करें। और सभी विद्यार्थियों को एक बढ़िया सा एक सेमिनार किया जाएगा, उसमें सभी को बुलाया जाएगा और उसको किसी भी गंगापुर की या फिर कोई बढ़िया जो आईपीएस ऑफिसर है से सम्मानित करवाया जाएगा। तो आप लोग एग्जाम में शामिल हो। और मेरा लास्ट आपके लिए एक लाइन है शानदार, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो जागो आप और एग्जाम फॉर्म भर दो और एग्जाम को फाइट कर दो और दिखा दो अपना हुनर। इसी के साथ मैं अपनी बारी को देता हूं ब्राह्मण।